हेलो नमस्ते, आई एम डॉक्टर ज्योति जांगले। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड हेल्थ। टुडे लेट्स डिस्कस अबाउट डाइट, लाइफस्टाइल एंड पंचकर्म इन वात प्रकृति इंडिविजुअल्स। हम हमेशा सुनते आए हैं कि हेल्दी लाइफ के लिए बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में स्वस्थ शरीर के लिए षड रसों से युक्त, मतलब 6 रसों से युक्त आहार लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। उसी के साथ प्रकृति के अनुसार क्या क्या आहार लेना चाहिए, विहार और पंचकर्म कौन कौन से करने चाहिए, इस बारे में वर्णन आया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विथ टूडेज टॉपिक, आहार अकॉर्डिंग टू वात प्रकृति। इन लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए वो अभी देखते हैं। ठंडी चीज़ें अवॉइड करें, जिसमें फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी चीज़ें अवॉइड करनी है। अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स, फॉर एग्जाम्पल चना, छोले एक्सेट्रा। अवॉइड ड्राई फूड, सूखा खाना नहीं खाए, जिसमें फरसान, चकली, चिवड़ा, चिप्स, ऐसी चीज़ें आती है। अवॉइड स्टेल फूड, कल का बचा हुआ बासी खाना ना खाए। वात प्रकृति के लोग क्या क्या खा सकते हैं वो अभी देखते हैं। गेहूं की रोटी और चावल ये नॉर्मली खा सकते हैं। मीठा, खट्टा, सॉल्टी, ऐसे रसों का सेवन कर सकते हैं। इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या मलबद्धता, इसकी तकलीफ बार बार होती है, तो ऐसे लोगों को रोटी के आटे में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के उसकी रोटियां लेनी चाहिए। पल्सेस में मूंग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, इनका सेवन कर सकते हैं। फ्रूट वेजिटेबल ले सकते हैं। जिन लोगों को चाय की आदत है वो दिन में 2 बार आधा आधा कप सौंठ की पाउडर या फिर अदरक डाली हुई चाय ले सकते हैं। पीने का पानी हमेशा गर्म ही लेना चाहिए। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें इनका सेवन भी कर सकते हैं। आहार में अधिक मात्रा में घी का उपयोग करें। इन लोगों में खाने की मात्रा का ठीक से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में पाचन शक्ति कभी कम तो कभी ज़्यादा होती है, इसलिए भूख के अनुसार आहार की मात्रा डिसाइड करें। नाउ वी विल सी लाइफस्टाइल, दैट इज विहार अकॉर्डिंग टू वात प्रकृति। विहार में कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो देखते हैं। ठंडी हवा, एसी, इनका ज़्यादा उपयोग ना करें। एग्जैक्ट फैन के नीचे भी ना सोए, क्योंकि लगातार आने वाली हवा इनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। अवॉइड एक्सेसिव ट्रैवलिंग, बार बार लंबे सफ़र पे ना जाए। अवॉइड फास्टिंग, बार बार उपवास, व्रत, ये चीज़ें ना करें। अवॉइड स्मोकिंग, धूम्रपान का सेवन ना करें। रात में ज़्यादा देर तक ना जगे, वक्त पे सो जाए। कौन कौन सा विहार कर सकते हैं वो अभी देखते हैं। नहाने का पानी हमेशा गर्म ही लेना चाहिए। व्यवसाय चुनते वक्त जिसमें ज़्यादा भागदौड़ ना हो, ऐसा व्यवसाय ही चुने। दिन भर में 1 बार मेडिटेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। वात प्रकृति के लोगों में क्या क्या पंचकर्म करना चाहिए अभी वो देखते हैं। अभ्यंग, मतलब पूरे शरीर को ऑयल का मसाज करना। इन लोगों को अभ्यंग बार बार करना चाहिए। जो लोग अभ्यंग के लिए वक्त नहीं निकाल सकते, उन्होंने एटलीस्ट हाथ, पैर, सिर, इन जगहों पे ऑयल एप्लीकेशन करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन किए हुए पंचकर्म में बस्ती चिकित्सा का वर्णन आया है। बस्ती मतलब सरल भाषा में कहा जाए तो ऑयल या फिर काढ़ा, इसका एनीमा देना। वात दोष नियंत्रण में रहने के लिए या फिर वात की व्याधियाँ अवॉइड करने के लिए बस्ती चिकित्सा दी जाती है। वर्षा ऋतु मतलब बारिश का महीना। बारिश के महीने में वैसे ही शरीर में वात बढ़ा हुआ होता है, तो वो बढ़ा हुआ वात नियंत्रण में रखने के लिए वर्षा ऋतु में बस्ती लेनी जरूरी होती है। इस प्रकार वात प्रकृति के लोगों को आहार, विहार और पंचकर्म उपयोग में लाने चाहिए। आज के वीडियो में दी गई हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।